असल नमस्कार मैं हूँ काजमी और आप देख रहे हैं point of view. हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने बहुत शुक्रिया सर. क्या हैं? जी. थैंक यू सो मच इनवाइटिंग सर आज हम बात करेंगे जो कि आज सबसे हॉट टॉपिक जो अभी चलेगा आगे तीन दिन और और वो है नरेंद्र मोदी जी आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका विजिट यूएस का लेकिन आज थोड़ी सी सर हम बात यह भी करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि रशिया को ये बात पसंद आएगी कि भारत और अमेरिका नज़दीक आ रहे हैं या चाइना पाकिस्तान में भी यकीनन इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा और थोड़ी सी टेंशन भी जो है कई लोग कह रहे हैं कि हो सकती है तो आपके ख्याल से किस तरह से बैलेंस रखने की कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से इस विजिट को क्योंकि जाहिर है चाहे कोई भी कंट्री हो चाहे इवन चाइना के साथ भी ट्रेड तो चल ही रहा है छोटी मोटी जो झड़प चलती रहती है वो तो है लेकिन आपके ख्याल से क्या मोदी जी इस चीज को बैलेंस रख पाएंगे आर्ज जी देखिए जो मोदी जी का ट्रिप है इसमें क्या हो रहा है कि आप नोट करेंगे कि एक ऐसा वेलकम मोदी जी के लिए तैयार किया हुआ है नॉट बाय आई एस आई बट बाय बाइडन एंड देयर गवर्नमेंट रेड कार्पेट उनके लिए रखा गया है एंड इज अ वेरी एक ऑनर की चीज होती है तो मोदी जी भी उसी लहजे में काम भी करेंगे और मैं आपके मजे आपके फायदे की बात जो मोदी जी करने वाले हैं मुझे पता लगा है अंदर से कि पांच चीजें ऐसी जो मोदी जी करने वाले हैं जिससे कि बैलेंस प्रॉपरली हो जाएगा सबसे पहला जो काम मोदी जी करने वाले हैं वो है जैसे ही वो बाइडन को मिलेंगे जब भी डालनी डालनी उन्होंने और गले मिलते ही उन्होंने पूछना है उनको आई का लोन पाकिस्तान को कब मिल रहा है पहला काम उन्होंने कोई उन्होंने हैलो हाई नहीं कर

उसको रिकोगनाइज करना और उनके जो आठ बिलियन डॉलर वहां फंसे हुए हैं ना अमेरिका में वो रिलीज कराने ताकि वो आपको मिले और फिर आप उसमें से कुछ उनको भी देते दे। तो एक तो तीसरे सूबे की बात करेंगे देखो तीन आपके पूरे पूरे सेटल हो गए उसके बाद उनका एक मुद्दा था कि जो आपके ये पाकिस्तान के लोग जिंदा भाग कर रहे हैं किश्तियों में जो गुब्बारे वाले होते हैं ना गुब्बारे वाली किश्तियों में बैठ बैठ के जाते हैं तो मोदी जी बोलेंगे देखिए ये काम ठीक नहीं हो रहा आप इनको वीजा देना शुरू कर दो या एंट्री देना शुरू कर दो ताकि बेचारे जिंदा भागेंगे वहां जाके सुख शांति से कोई लोग कोई जिहाजूद का काम करते रहेंगे तो वह उसकी बात भी करेंगे ताकि आपके जो लोग यहाँ से जिंदा भाग रहे हैं वो वहां पे उनको शरणार्थी की तरह एंट्री मिल जाए अमेरिका के लिए ये भी आपके फायदे की बात है ये होगी चौथी बात और पांचवी एक और बात मेरे दिमाग में थी हाँ उसके बाद अगर कोई टाइम बचा उनके पास सारी बातें करने के बाद तो थोड़ी बहुत ही हिंदुस्तान की बात भी कर लेंगे तो ये मुद्दे हैं उनके सारे नहीं सर मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ पाकिस्तान को ही डिस्कस करेंगे या सिर्फ चाइना को ही डिस्कस करेंगे लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान और चाइना ये दो कंट्रीज ऐसी हैं जो आपस में जाहिर है इनके रिलेशन बेहतर समझ लीजिए चाहे उसका जो रीज़न भी हो लेकिन साथ साथ दोनों की जो है वो इंडिया के साथ टेंशन भी बनी हुई है और साथ अमेरिका को भी चाइना जो है उससे प्रॉब्लम है क्योंकि इमरान खान के टाइम पे भी यही हो रहा था कि बाजवा साहब और इमरान खान साहब के बीच में यही बताया जा रहा था कि एक जो है वो चाइना ब्लॉक में <coughs> सॉरी और दूसरे जो थे वो अमेरिकन ब्लॉक में थे तो इस वक्त सर मैं यही कह रही हूँ कि आपके प्राइम मिनिस्टर जब जाएंगे तो वो इन दोनों चीजों को यानी बैलेंस कर पाएंगे कि मतलब अमेरिका से भी क्लोज हो रहे हैं लेकिन जाहिर है चाइना भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है आप उसके साथ भी एकदम से अलग नहीं हो सकते और आपके यहाँ तो वैसे ही सर छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है कुछ ना कुछ चलता ही रहता है नहीं wow, नहीं जी मुझे नहीं लग, मुझे नहीं लगता कि वहां पर जाके कोई भी ऐसा फैक्टर की बात करने की है, क्या करना है अभी आप देखिए आज उन्होंने जाना था आज निकल गए निकलने से पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल जो उनका सबसे बड़ा एक न्यूज है उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किया और उसके अंदर उन्होंने चाइना की बड़े क्लियरली बोला कि भाई हम रिलेशन ठीक रखना चाहते हैं बट हमारी जो इंटेग्रिटी है और जो बॉर्डर के जो जो मसले हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए पीसफुली जो कुछ हो रहा है ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर हमें उकसाया जाएगा तो वी आर वी आर केपेबल कि हम अपने आप को डिफेंड कर लें बड़ा क्लियरली बोल गया कि हम किसी की जो एक्सपेंशन करने की क्योंकि कई कंट्रीज है जिनको एक्सपेंड करने की आदत है और वो कहते हैं हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे सो ही इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने बैलेंसिंग करने की कोई कोई भी अपनी मंशा नहीं दिखाई आप वो, वो उनका हिंदुस्तान का एक बड़ा क्लियर है आप अपने घर राजी हम अपने घर राजी आप हमें तंग ना करें हम आपको तंग नहीं करेंगे जिस दिन आपने मेरी पूंछ पे हाथ भी लगाया हम गला काट देंगे तो ये मोदी जी ने दिखा दिया खालिस्तानियों वालों को भी मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी ने किया होगा वो बेचारे अपना भी मरते जा रहे हैं बीमार हो जाता है किसी की कुछ और हो जाती है तो ट्रेजेडीज हो रही है पूरे वर्ल्ड में ऐसे जो जो हमें तंग करते हैं उनका उनका गला अपने लेकिन कर, करता जा रहा है ले, लेकिन, लेकिन सर सिर्फ पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं है आपके अपोजिशन की तरफ से भी कोई खास इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आती है जैसे ये समझा जाए कि वो मोदी जी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रही है और बात है कि पाकिस्तान में कई लीडर्स जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं और कई दूसरे लोग भी हैं जो अब ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की जाती है बल्कि आपकी फॉरन पॉलिसी की और आपके जो फॉरन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर उनकी भी काफी तारीफ की जाती है और ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर पाकिस्तान में जो जो हमें पब्लिक के अंदर भी दिखाई दे रहा है तो आपके ख्याल से अपोजिशन तरह का बिहेव नहीं आपकी जी ऑपोजिशन का काम है अपोज करना जब इमरान खान सीट के ऊपर था प्रधानमंत्री की सीट पे था आप मुझे एक बार बता दीजिए जब उन्होंने मोदी जी की तारीफ करी हो जयशंकर की तारीफ करी हो या हिंदुस्तान की तारीफ की हो जैसे ही वो ऑपोजिशन में आए हैं उनके सुर चेंज हो गए अब उनको मोदी जी भी ठीक लगते हैं जयशंकर की पॉलिसी अच्छी लगती है और इंडिया की फॉरन पॉलिसी भी अच्छी लगती है अब यही हाल हमारे यहां पर भी है देखिए पप्पू आपके पास है तो हमारे पास भी हैं। तो हमारे वाले जो हैं वो भी अब ऑपोजिशन में हैं। अब वो भी तिल मिला रहे हैं कि कैसे कुर्सी मिले तो कंपटीशन दो पप्पूओं की है और दोनों की कंपटीशन ये है कि सबसे बड़ा पप्पू कौन और कुछ भी नहीं है देखिए ऑपोजिशन हमेशा ये काम करेगी कोई भी अच्छा काम होगा उसमें से गलती निकालना बड़ा आसान है काम करके दिखाना मुश्किल है आप मुझे बता दीजिए जो हमारे यहाँ पर इतना हल्ला कर रहे हैं मोदी जी के विजिट का उनका अचीवमेंट क्या है सिर्फ ये कि उनकी दादी नाना ना, ना, पिता माँ दैट्स ऑल अपनी अचीवमेंट बताइए आप अपनी अचीवमेंट ये थी कि 2008 में आपने चाइना में आकर आपने हमारा सौदा कर दिया पूरे देश का आपने एग्रीमेंट कर लिया सीक्रेटली ये आपका अचीवमेंट है आपने सारी इंडस्ट्री बैठा दी हमारे यहाँ पर यह आपका अचीवमेंट है आप so अपने लोगों को सीरियसली ले सकते हैं हमने ऐसी अपोजिशन को सीरियसली लेना बहुत देर से बंद कर दिया अब ये हल्ला क्यों हो रहा है यू अंडरस्टैंड दैट हल्ला इसलिए है बिकॉज ये विजिट बहुत बड़ी विजिट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है इसके अंदर अमेरिका की पूरी कोशिश है कि हमें रशिया के जो जिस पाले में हम हमें कंसिडर किया जाता था उसमें से निकाल कर अमेरिका अपने पाले में लेने की कोशिश करेगा हमें But, इंडिया ने पहले बोल दिया वी आर नॉट न्यूट्रल मोदी जी ने आज बोला है, हम न्यूट्रल हम न्यूट्रल पहले थे टुडे वी आर ओनली ऑन द साइड ऑफ पीस हम न्यूट्रल अब बात ही नहीं करते न्यूट्रल की जहां पीस की बात होगी हम उस साइड पर

बिल्कुल क्लियरली और अपने थॉट्स को इतना क्लियरली बिना ताकि बाइडन जब तक वे वहां पहुंचे बाइडन के दिमाग में कोई ऐसी इमेज ना हो कि कल को इंडिया उसका वो बन जाएगा यूक्रेन की तरह बेवकूफ बन जाएगा और चाइना के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए हम अपने फोर्सेस को भेजेंगे मोदी जी इज वेरी क्लियर ऑन दैट कि मुझे किसी से पंगा नहीं लेना मुझे एक ही काम करना है विच इज अपने कंट्री की तरक्की और ये चीज ऑपोजिशन ना कर सकी है

क्या क्या आएगा, आएगा या टेल आएगा अभी हमारा वो चल रहा है तो तो इसलिए सर हम हमें साइड में कर देते हैं और बात करते हैं हम अमेरिका और इंडिया की दोनों में इलेक्शन आ रहे हैं सर और इलेक्शन से पहले इस किस्म के विजिट्स जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके ख्याल से क्योंकि वो टाइमिंग्स बड़े मैटर करते हैं ना लोग कहते हैं जी टाइमिंग्स के ऊपर जो है वो सारा गेम होता है और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कल अभी मेरे शो में एक साहब आए थे उन्होंने कहा कि जी आप क्या कहे थे उन्होंने कहा जी मोदी जी तो बारात लेके जा रहे हैं तो क्या मोदी जी बहुत ज्यादा लोगों को लेके जा रहे हैं बड़, बड़ा डेलीगेशन है, है कि हम लेने नहीं जा रहे वी आर नॉट गंग हम पहले ये सोचते है कि हम अमेरिका को क्या दे सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या मिल सकता है आप कभी भी देखना हमेशा मोदी जी बात करेंगे वॉट आई कैन गिफ्ट यू एंड देन

योगा का जो ये करने वाले हैं पूरे कांग्रेस के लोग क्योंकि मैंने देखा है अमेरिका में एक रिवाज है कि इंडिया को एक डिफरेंट लेंस से देखते हैं वो जो ये लेफ्ट विंग वाले बोलते हैं हमने कह दो विंग है, विंग है लेफ्ट विंग है राइट विंग है तो लेफ्ट विंग वाले हमेशा इंडिया को उल्टी तरह से देखते हैं तो दैट्स वाई मोदी जी इक्कीस को पहुंचे हैं जबकि इनका दौरा जो था वो बाईस को शुरू होना था बाइडन के साथ इन्होंने इक्कीस का डेट जान के रखा है मैं रीजन बताता हूँ क्या है क्योंकि जब ये योगा करेंगे तो योगा में क्या होता है एक आसन होता है हमारा जिसमें सिर नीचे होता है पैर ऊपर होते हैं तो उससे जिनको उल्टा दिखता है उनको सीधा दिखना शुरू हो जाता है तो मोदी जी वहां पर योगा कराएंगे सारे कांग्रेस वालों को जिनको उल्टा दिखता है इंडिया में यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है और राहुल गांधी वहां पे दस दिन लगा के भी आए हैं तो उनको सब कुछ उल्टा सीधा सीधा तो नहीं उल्टा ही पढ़ा के आए हैं तो उन सबको सीधा दिखना शुरू हो जाए तो इसलिए उनको वो योगा कराएंगे पहले तो पूरी कांग्रेस उल्टे होकर सीधा देखेगी तो देखिए मोदी जी पहले तो योगा का गिफ्ट दे रहे हैं उनको उसके बाद आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम उन्हें देने वाले हैं एंड उसके बदले हमें क्या मिलेगा ये जा कर दे पता लगेगा मुझे इतना पता है कि जो हथियारों की बात चल रही है कि हम ड्रोन लेंगे प्लेन लेंगे ये छोटी मोटी चीजें हैं मोदी जी का टारगेट है सेमी इंडस्ट्री को पकड़ना और मोदी जी उसी काम के लिए जा रहे हैं वहां पर अब उसका इंडिया में जो इलेक्शंस है उसका फर्क पड़ेगा मोदी जी इसके बारे में सोचते नहीं है ही डजेंट बिलीव इन दिस फिलोसफी कि मैं कोई काम करूंगा उसमें मुझे इलेक्शंस में फर्क पड़ेगा आप देखिए जितने भी हमारा ये एप्पल की फैक्ट्रियां लगी ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स लगती है। वो कर्नाटका में लगी इसलिए नहीं लगाई उन्होंने कि वहां पे पूरे इंडिया में डेवलपमेंट करनी है और बीजेपी की मैंने एक चीज नोट करी है वो कहते हैं इलेक्शंस जीतना और हार ये चलती रहेगी देश की तरक्की नहीं रुकनी चाहिए सो so, इनका प्रिंसिपल ही कुछ और है। ये कहते देश की तरक्की करते रहो लोगों का मन है जिताएंगे नहीं मन, मन करेगा तो हरा देंगे वेरी सिंपल, हमारे तो होती नहीं, तो होते हैं। और अमेरिका तो, में जो है उसमें जो रिटेंशन पावर है लोगों की वो पंद्रह बीस महीने की है बस डेढ़ साल पहले एक प्रधानमंत्री आया उन्होंने आकर बाइडेन की तारीफ कर दी एक बहुत बड़ा डायस पर इंडियन का होगा उसके सामने इनकी भी होंगी फॉर गेट आजकल तो आज क्या हुआ है उसके ऊपर रिएक्शन अब देखिए सोशल मीडिया का जमाना है exactly. इसलिए मुझे नहीं लगता लोग बोलते जरूर है मैंने बड़े पैनलिस्ट को सुनाया you know, वहां पर भी इलेक्शन है यहां इलेक्शन है इसको इसको इफेक्ट करने के लिए ये ट्रिप किया जा रहा है डेढ़ साल पहले हमारे तो एक साल पड़ा है अभी वहां पर डेढ़ साल पड़ रहा है अमेरिका में How is it going to impact? Foolishness है ये, सोचना भी foolishness है। जी, जिस दिन दिन पे उससे एक दिन पहले क्या बनेगा, उसके हिसाब से elections का रिजल्ट आता है आपको मालूम है ट्वेंटी ट्वेंटी में जब ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की इलेक्शंस की वो चल रही थी रैली हिलरी क्लिंटन वाज विनिंग बट इलेक्शन से सिर्फ पांच दिन पहले वो एफ की रिपोर्ट आ गई उनकी जो अगेंस्ट हिलरी क्लिंटन एंड शी लॉस्ट सो दैट मींस की नहीं नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं लेकिन सर तैयारी तो बहरहाल पहले से ही की जाती है ना ऐसा तो नहीं है कि आप लास्ट डे या लास्ट लास मंथ में जो है वो इलेक्शन की तैयारी होगी पहले से होती है लेकिन ज़ाहिर है जो पिछले पांच साल निकले होते हैं आपके यहाँ तो क्योंकि डेमोक्रेसी है प्रॉपर डेमोक्रेसी है पाकिस्तान वाली हालत नहीं है तो आपके यहाँ तो वो सब दिखाई देता है मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही हंड्रेड परसेंट डिलीवर कर पाती है लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत भी कर देती है फिफ्टी परसेंट भी कर देती है तो पब्लिक के लिए फिर ठीक है ज़ाहिर वो तो एक काम होता है पोजिशन का कि वो कोई ना कोई बात निकल लेंगे लेकिन हमेशा से ये कहती हूँ कि चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान अपोजिशन को मिलके काम करना चाहिए गवर्नमेंट के साथ ताकि जो, जो पब्लिक है आम पब्लिक है उसको फायदा हो लेकिन हमारे यहां भी होता है सर एक प्रोजेक्ट शुरू किया उसको बंद कर देंगे दूसरी गवर्नमेंट आगे कुछ और कहानी लेकर आ जाती है मगर सर इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि मोदी जी के बारे में कुछ लोग जो है नेगेटिव बात नहीं करते करते हैं बिल्कुल करते हैं और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो उस चीज़ को फेस करे अगर तो आप आप अपनी जगह ठीक है तो आपको घबराने की बात नहीं है आपको घबराना नहीं है वो इमरान खान जो कहते हैं और अगर कुछ बात है ऐसी तो फिर उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको ठीक कर ले कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन सर मैं अगर ये पूछूं आपसे कि क्या भारत की इकोनमी जिस तरीके से आगे गई है क्या उससे भी भारत के जो है रिलेशन है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ बेहतर हुए हैं आपके ख्याल से इकोनॉमी का कितना रोल है इन सब चीजों में जिसमें आप लोग कई चीजों में आप लोग तो हेड भी कर रहे हैं और आप लोग कई ग्रुप का हिस्सा भी हैं चाहे वो क्वाड हो चाहे जी ट्वेंटी हो तो इसमें सर इकोनॉमी का कितना रोल है ये आप समझते हैं सिर्फ ये फॉरेन पॉलिसी बेहतर होने की वजह से हुआ जी जो हमारी इकोनॉमी का हाल है या जिस लेवल पर पहुंच गए हम लोग और जहां पे पहुंचने की बातें हो रही हैं मैं उसका असर आपको सिंपल वर्ड्स में बता सकता हूं आपके कोई आ, क्या बोलते है इसको? वजीरे दा, दफा हैं उसको वजीर दाखा दफ़ा हैं जिन्होंने आज ही बोला है उन्होंने कि इंडिया यूएसए के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है हाँ तो पहली बात तो ये पाकिस्तान ये बोल रहा है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं हमें कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है बट

दफा सर, सर, दफा तो हाँ, हाँ, अब हाँ, उसे करते हैं, और बात हैं, लेकिन न, उनका जो स्टेटमेंट आसिफ का वो भी खामा खाई तो वो वाला, वो वाला भी था उनको भी खामा खाई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो भी खुद एग्री जी अगर हमने उन्हें दफा होने के लिए बोला है उसके पीछे रीजन है उसके पीछे पावर है पावर है मनी पावर ऑल्सो देखिए जी ये दुनिया जो है ना अब देखती है कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं आप कितने इंटेलिजेंट हैं आप कितना अच्छा अपने कंट्री को चला रहे हैं ये मैटर नहीं करता आपकी जेब में कितने पैसे हैं उसके हिसाब से रिस्पेक्ट होती है ये तो आप भी जानते हैं।, हैं आज भारत उस लेवल पर पहुंच गया है जहां पर हमारे पास पैसा है और हम कुछ भी खरीद सकते हैं देखिए आज तक अमेरिका जैसी सुपर पावर के अंदर या चाइना भी अगर हम सुपर पावर की तरह देखते हैं उनकी तरफ उनको उन्होंने भी 500 प्लेन का ऑर्डर कभी इकट्ठा दिया नहीं है लेकिन हिंदुस्तान उस लेवल पर है हमारी एक एक कंपनी पाँच पाँच सौ प्लेन के ऑर्डर दे रही है और आगे बात चल रही है कि हमने दो प्लेन खरीदने हैं आप सोच चारी. के देखिए ये मनी पावर नहीं है तो क्या है सेकेंडली पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास हो सकता है पैसा हो लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है हमारे यहाँ पर लोगों के पास भी पैसा है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा है और अगर पैसा है तभी हमने 100 लाख करोड़ विच इज अप्रोक्सीमेटली प्लान यहाँ पर प्लान किए हुए हैं दैट शोज देर इज अ पावर मनी पावर बिहाइंड और इस मनी पावर के कारण देखिए एक गरीब कंट्री जैसे पाकिस्तान है वो कहीं भी जाता है वो बेचारे बेचारे जैसी शक्ल लेके जाते हैं किसी को आम दिए उन्होंने आम खाए गुठले निकली गुठले भी वापस लेकर आ गए तो वो वाला हाल होता है कई कंट्रीज का जिनके पास पैसे नहीं होते लेकिन हमारे जिसके पास पैसे हैं उसको सोचने की जरूरत नहीं है सो मनी पावर इज इंपॉर्टेंट ये हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं एंड इन कंट्रीज ऑल्सो वी सी दैट तो जो गरीब कंट्रीज हैं उसको किस तरह से देखा जाता है और जो अमीर जैसे अमेरिका है वो बेशक कितना भी काम गलत कर ले उसको फिर भी लोग कहीं ना कहीं इज्जत से देखते हैं कि यार पैसे वाला आदमी है ठीक है ना तो वैसे ही हाल अभी तो और अभी इंडिया का वही हाल है वही स्ट्रेचर है कि भाई हमारे पास पैसा है वी आर अ इकॉनमीच इज ग्रोइंग पूरा वर्ल्ड डाउन है हम ग्रो कर रहे हैं तो नजरिया चेंज होता है इसमें कोई शक नहीं है देखिए 2014 से पहले वी आर इन फ्रेजाइल फाइव फ्रेजाइल फाइव का मतलब है पाकिस्तान आज की तो डेट तो तो में फ्रेजाइल तो वन ही है क्योंकि इससे ज्यादा फ्रेजाइल कोई तो है ही नहीं तो हम लोग टॉप फाइव कंट्रीज़ में थे जहां पे कभी भी डूब सकते थे हम लोग हमारे पास कुछ भी, भी, भी खरीदने के पैसे होते ही नहीं थे और आज आप देखिए वी कैन बाई एनीथिंग बाई थ्रोइंग मनी जैसे इमरान खान ने बोला था जब मैं आऊंगा मुंह मैं पे पैसे फेंगूंगा और चीजें खरीदूंगा हम प्रैक्टिकली वो चीजें कर रहे हैं कि वी थ्रो द मनी ऑन द टेबल एंड वी बाय अवर टर्म्स आपने तो तेल भी खरीदा तो नॉर्मल प्राइस पे खरीदा है हमने डिस्काउंट पे खरीदा है ये पैसा होने के कारण हमें डिस्काउंट मिला है नॉट बिकॉज ऑफ लव फॉर इंडिया अगर आपके पास पैसा होता तो आपको भी डिस्काउंट मिलना था क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है तो जिस, जिसने पैसे दिए वो डिस्काउंट वो ले गया हुँ. लेकिन सर ऑबियसली आप खुद कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था जब इंडिया की इकोनॉमी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी और प्रॉब्लम्स थी तो सेम सर यहाँ पे भी ऐसा है कि एक टाइम ऐसा था जब लोग बताते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की ये बुरी हालत नहीं थी लेकिन जाहिर है कि इस वक्त बहुत सीरियसली जो है वो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर उनको देखना होगा आखिर इस हाल को क्यों पहुंचे इसमें जाहिर है कि अपनी ही गलतियां होंगी अपने ही कोई करतूत होंगे अच्छा वर्ड मुझे आ रहा नहीं सर इसलिए मैं करतूत ही बोल देती देखिये आपके देखिए देखिये आर्जू जी हमारे देश में जो भी इन्वेस्टमेंट करी है गवर्नमेंट ने या लोगों ने देखिए करप्शन हमारे पास भी होती थी और होती होगी अभी भी

वहां उसी देश ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप इस कंट्री के लिए कुछ कीजिए आप पॉलिसी बनाइए ताकि कंट्री ग्रो करे आप उसको करने के बजाय आप ये देखते हैं कि मैं कैसे ग्रो करूंगा तो ये बेवकूफी है ये करतूत नहीं है दिस इज मैडनेस मैडनेस इसको बोलते हैं सेल्फ अपने अपने बारे में सोचना हिंदुस्तान में बेशक वो अपोजिशन था या मोदी जी की गवर्नमेंट है इसमें कुछ भी हो रहा है वो पैसा एटलीस्ट इंडिया में लग रहा है बाहर नहीं लग रहा दैट इज है तरक्की भी है तो ये एक डिफरेंस है Uh, का, I think so. else. बिल्कुल हमारे बड़े अच्छे गेस्ट आते हैं साजिद ताड़ साहब और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल हमें इसी तरह की चीजें सीखने की जरूरत है ताकि हम भी थोड़े से इनडिपेंडेंट हो जाए क्योंकि अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खुद अपने मुँह से कह रहे हैं कि जी आ क्योंकि आप चाइना में है तो वो चाइना की बात कर रहे थे कि चाइना के हमारे दोस्त यानी हम चाइना वालों को दोस्त कहते हैं ना तो वो उन्होंने कहा जी चाइना के हमारे दोस्त आ, बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन उनकी शक्ल से लग रहा होता है कि वो कह रहे हैं भाई कब तक मांगते रहोगे ये कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का तो भाई अगर आपको ये बात महसूस हो रही है आपको ये बात का पता है आप अप अप अंदाजा लगा सकते हैं तो फिर आप उस उससे पीछा छुड़ाएं और काम करें और मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट करें वो ज्यादा जरूरी है एनी anyway, वे देखते हैं सर कि क्या ये लोग सीखते हैं और क्या होता है लेकिन हम आगे भी आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे क्योंकि मोदी जी के अभी थ्री डेज विजिट है और उसपे डेफिनेटली हमें आपका ओपिनियन चाहिए होगा थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू